फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर एज मम्मा स्पेशल। मैं हूँ गोल्डी और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी स्नैक। ये है मुरमुरे का नमकीन। बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है मुरमुरा। पीनट डाला हुआ है, मूंगफली डाला हुआ है मैंने। सो मैंने ये कितने कितनी मात्रा में लिया ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमें ले लेना है मुरमुरा 500 ग्राम, और मूँगफली लेना है 200 ग्राम, फूटा चना लेना है 100 ग्राम, और मखाने लेने हैं 100 ग्राम, कड़ी पत्ता लेना है 4 से 5 ब्रांचेस, और हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई। सो हमने थोड़ा से तेल में इन सबको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मुरमुरे को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और बस हमारा ये मुरमुरा बनके 5 मिनट भी नहीं लगता है, और ये 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है पूरा सेकने के बाद। थोड़ा ही ऑयल यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग 2 बड़ी टेबलस्पून ऑयल ले सकते हैं इसको भूनने के लिए, और बहुत ही अच्छे से आराम से भून जाता है। मूंगफली भूनने में थोड़ा तेल ऑयल ज़्यादा लग सकता है, अगर आप इसे सेक के भी खा सकते हैं और ऑयल में तल के भी खा सकते हैं। सो मुरमुरे में बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके लड्डू भी बनाते हैं लोग। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वजन कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कैलोरीज नहीं होती है इसमें, फैट अच्छा वाला फैट होता है, फैट की मात्रा भी अच्छी होती है। कार्बोहाइड्रेट अच्छा है तो फैट अच्छा ही होगा, तो काफ़ी टाइम तक ये आपके बॉडी में एनर्जी को बनाए रखते हैं। कम कैलोरी होने के कारण बहुत ही अच्छा स्नैक है वजन कम करने वालों के लिए। सो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये ऊर्जा के अच्छा ईंधन के रूप में काम करता है। अगर आप एक कप अगर इस मुरमुरे का ऐसा नाश्ता कर लेते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, पाचन बहुत अच्छा से हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। सो बस जल्दी जल्दी ये मैंने सब बना लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने जिरौंजिया नमक जो डालते पूरा मिक्स नमक आता है वो, सोदा सेंधा नमक या काला नमक भी आप डाल सकते हैं, टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आ जाता है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे डाल सकते हैं। सो मैं बात कर रही थी इसकी हेल्दी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कब्ज़ को दूर करता है, और हार्ट अटैक से भी हमें बचाता है, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो फटाफट आपका ये हेल्दी सा स्नैक तैयार भी हो गया है, और मैं इसके सारे हेल्दी प्रॉपर्टीज़ में आपको बताती जा रही हूँ। उसमें होता है हड्डियों के लिए, दांतों के लिए विटामिन बी वन बी टू, कैल्शियम, लोहा बहुत ही अच्छा होता है। सो इसके इस तरीके से बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।